राजनीति करने के हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज उनकी सरकार है, ये पानी कुछ हमारा दिल्ली को भी जाना है, कभी हरियाणा कहता है जी हम दिल्ली को नहीं पानी देंगे, कहना इनको बैठकर वो तय करें आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, क्या हरियाणा के हक को। क्योंकि जब केजरीवाल जी ने पंजाब में जाकर वोट मांगे थे, उन्होंने कहा था हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता ये तय करें कि क्या वो जब, क्योंकि आज के समय में हरियाणा की विधानसभा में एक आम आदमी पार्टी का व्यक्ति कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ से पार्षद भी कहीं भी चुना हुआ नहीं है। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे, सभी में उनकी जमानत जब्त हुई है। विधानसभा में केवल कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और एक विधायक लोक दल के हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और जजपा इसमें आगे चले, हम सब समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी ये स्टैंड देना चाहिए कि हम सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और पंजाब से अपना हक लेंगे, वो सरकार बनेगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जो अपनी योग्यता दिखाएं और 1 लाख रुपए का इनाम लेकर जाएं, जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसले किए जा रहे हैं उनको लेकर उन्होंने ये बात की, कैसे देखिए? वो तो एक दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसल लेके पहुँच गए थे। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी जो है वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और अहिंसा के मार्ग पर हम नहीं चलते। और ठीक है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करने का काम किया है, लेकिन आज के समय में हरियाणा में शिक्षा की बहुत बुरी हालत है, पूरी तरह से ये सिस्टम चरमरा चुका है। शिक्षा के नाम पर जो है ये समझ नहीं आ रहा है कि फैसले कौन ले रहा है, फिर कौन यू टर्न ले रहा है। मॉडल संस्कृति स्कूल खोलकर आपने इंग्लिश मीडियम कर दिया, CBSE से एफिलेट कर दिए आपने, उनको भिवानी बोर्ड से डिसएफिलेट कर दिया, फिर हिंदी के माध्यम के बच्चों को आपने कहा हम एडमिशन नहीं देंगे, फिर कल आपने कहा कि हम उनको एडमिशन्स देंगे। 134 ए को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, अब इसको हम नहीं करेंगे, हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 25% देंगे, फिर आपने कहा कि 134 ए के तहत हम करेंगे। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो बार बार फैसले ले रहे हैं और बदल रहे हैं। तो नवीन जैन जी की अपनी भाषा पर हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस चीज़ पर संज्ञान ले, हम कम से कम शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते और अच्छी शिक्षा सरकार जो है देने का काम करे, अच्छे नए स्कूल खोले, अच्छे नए टीचर्स की भर्ती करे। किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम हिंदी में पढ़े या पढ़ाए हुए मास्टर जो हैं, टीचर्स जो हैं, किस प्रकार से वो पढ़ाएंगे। तो मैं समझती हूँ शिक्षा के प्रति सरकार को बहुत ज़्यादा संजीदा रहना चाहिए। हमारे भी बहुत सारे स्कूलों की अब निकल कर आई कि स्कूलों से बदहाल स्थिति होती जा रही है, तो अति शीघ्र सरकार को अच्छे नए स्कूल भी बनाने चाहिए जो हमारे यहाँ के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।